हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इन मार्किंग में। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे खो खो कबड्डी। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे बेस लाइन, जिसका डिस्टेंस होता है 27 मीटर। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम डायगनल आर्क लगाएंगे, जिसका डिस्टेंस होता है 31.38 मीटर फ्रॉम ईच साइड ऑफ बेस लाइन। और ये जो आर्क लगाई होगी, ये रफली आर्क होगी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम दूसरी बेस लाइन भी प्लॉट कर लेंगे। सो दोस्तों, इसके बाद एंड लाइन बनाई जाएगी, जिसका डिस्टेंस होता है 16 मीटर। सो दोस्तों, इसके बाद पोस्ट लाइन बनाई जाएगी, जिसका डिस्टेंस होता है 1.55 मीटर इन बोथ साइड, विच इज अवे फ्रॉम एंड लाइन। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे क्रॉस लाइंस, और जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम पोस्ट लाइन टू फर्स्ट क्रॉस लाइन, वो होता है 2.55 मीटर इन बोथ साइड, विच इज़ 2.55 मीटर अवे फ्रॉम द पोस्ट लाइन। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो रह गए हैं क्रॉस लाइंस, उसको प्लाट करेंगे, जिनका आपस का डिस्टेंस होगा 2.30 मीटर। और इसके बाद जो क्रॉस लाइन है, उसके आपस का डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है 35 सेंटीमीटर। और ये क्रॉस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो सभी क्रॉस लाइंस का सेम ही होता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद पोल को प्लॉट करेंगे, जो पोल है वो प्लॉट होगा पोस्ट लाइन के ऊपर, विच लाइज ऑन सेंटर ऑफ द कोर्ट, दैट इज 8 मीटर ऑन बोथ साइड। सो फ्रेंड्स, इसके बाद सेंटर लाइन बनाई जाएगी, और जो सेंटर लाइन के आपस का डिस्टेंस होगा, वो होगा 30 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, जो खोखो फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो होती है ईस्ट टू वेस्ट। सो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।